हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके एडुकेट एट द रेट एमएमई। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे वन मार्क्स क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ्स, ठीक है। और जो टेंथ क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के ऊपर, वो मोस्टली आते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी होती हैं और उन दो इक्वेशंस में हमें एरिया देखना है कि कहां एरिया फॉर्म होता है, कि टुवर्ड द ओरिजिन होता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पास ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऐसे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरफ बन रहा है, तो इन क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि जो तो हमारे पास मेथड है। आज हम ग्राफ्स के ऊपर थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लाइक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, और यहां पर इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है। हमारे पास ये कोई दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। जो हम मेथड अब तक करते आए हैं वो मेथड क्या है कि हम x की वैल्यू अपने इमेजिनरी वे में पुट करेंगे, लाइक जीरो, लाइक वन, लाइक टू, कुछ भी पुट करेंगे, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम y की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में करते थे, जहां हम करते भी हैं ऐसा, हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं। हम ऐसे टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं, y लिखते हैं, x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू सिक्स है, x की वैल्यू वन है, y की वैल्यू फाइव है, x की वैल्यू टू है, y की वैल्यू फोर है, हम ऐसे बना लेते हैं। उसी तरीके के साथ इसका बना लेंगे ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ आती है ऐसे क्वेश्चन करने में, थोड़ा सा मतलब उनकी कैलकुलेशन में, जैसे x की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी, x की वैल्यू वन है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर मैं लेता हूँ, जो कैंसिल आउट भी हो जाए, चलो नहीं भी कैंसिल आउट होती तो x की वैल्यू, मैं y की वैल्यू अब जीरो ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू जीरो आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो और मैं हम ग्राफ बना देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हमें क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आप इसी वे में निकाल दीजिए। अगर मैं क्वेश्चन, मैंने सिर्फ ये पूछा हो कि ये मेरा क्वेश्चन है कि ये मेरे पास दो इक्वेशंस है, गिविंग अबव इक्वेशन फाइंड द कलेक्टिव रीजन, फाइंड द कलेक्टिव रीजन ऑफ द ग्राफ, मतलब कि जो कलेक्टिव रीजन आ रहा है ग्राफ का वो फाइंड आउट करो, और मैंने आगे ऑप्शन दे दिया कि वो ओरिजिन की तरफ है, पहली ऑप्शन मैंने ये दे दी, सेकंड दे दी कि अवे ऑफ ओरिजिन है, अवे ऑफ ओरिजिन है, थर्ड दे दी मैंने कि टुवार्ड एक्स एक्सिस है, ठीक है, टुवार्ड एक्स एक्सिस, और फोर्थ दे दी मैंने अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस है। तो हमें ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं होता, हम इसे इन क्वेश्चंस को सीधा भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। वैसे आप सभी क्वेश्चंस इस वे में कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, और इससे काफी जल्दी से आपकी जो लाइन है वो फॉर्म हो जाती है, आपकी लाइन बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी फॉर्म हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ किस वे से। मान लो आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स और टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है। मैं क्या करूंगा कि इस तरफ वन फॉर्म करके इन दोनों को मैं इनके नीचे ले जाऊंगा, क्या मेरी ये इक्वेशन किसमें फॉर्म आउट हो जाएगी, पहली इक्वेशन मैं x को नीचे ले, सिक्स को नीचे ले गया, क्या बन जाएगी, एक्स बाय सिक्स प्लस वाई बाय सिक्स, यहाँ पर टू ले लेते हैं, एक्स प्लस टू वाई, ओके, तो ये क्या टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक तरह एक तरीके से मैंने सिक्स के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सबको, ओके। तो इनमें से क्या फॉर्म हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, एक्स बाय सिक्स प्लस y बाय थ्री इज इक्वल टू वन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं करूंगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, मैं ट्वेल्व से डिवाइड करूंगा तो मेरी क्या बनेगी, एक्स बाय सिक्स प्लस वाई बाय फोर इज इक्वल टू वन, तो सेकेंड इक्वेशन मेरी ये बनेगी। तो जो ये वैल्यूज आती हैं, जो सिक्स थ्री आई यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन में से आई, कौन सी आई, सिक्स और थ्री, और यहाँ पर आई सिक्स और फोर, ये कुछ नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं जो हम निकालते हैं, जो हम इक्वेशंस के साथ निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट करूं एक्स की वैल्यू में सिक्स पुट करूं तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री ही आएगी। हाँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू, मेरे पास यहाँ पर सिक्स आ गई और यहाँ पर कितनी आ गई, पहली इक्वेशन में, हाँ, एक्स बाय सिक्स प्लस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन, तो ये मेरे एक तरह से कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करूं और मुझे सिर्फ ये पूछा होगी और कि मेरी लाइंस कैसे फॉर्म हो रही हैं और जो मेरा शेडेड रीजन वो किस तरफ आएगा, तो मैं सीधी सी बात बता सकता हूँ, एक्स सिक्स है यहाँ पर, ले लेते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऊपर को ले लेते हो,
ठीक है, यहाँ पर x 6 है और y कितना है 3, x 6 है और y कितना है 3, तो मेरी लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। और सेकंड में क्या है, x 6 है y कितना है 4, तो मेरी दूसरी लाइन कौन सी, x 6 है और y कितना है 4, तो मेरी लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो जो शेडेड रीजन है वो कहां पर आया, अगर हम इस ग्राफ में शेडेड रीजन देखें, कि क्योंकि क्वेश्चन तो ये था ना कि शेडेड रीजन बताना है, तो शेडेड रीजन कहां पर आएगा, यहां पर। तो अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कि हमें सिर्फ शेडेड रीजन बताना है, तो हमें उनकी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, जो इधर वैल्यू होती है हम उसको उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड करके जो हमारे यहाँ पर इनको हम कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं, जो ये आ रहे हैं ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और हम इजिली अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एरिया कौन सा है। तो ग्राफ कहने को तो काफी आसान है, लेकिन ये क्या होता है, ये पेपर में क्वेश्चन होता है टाइम कंज्यूमिंग, ये हमारा टाइम काफी वेस्ट करते हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मैंने पिछले क्वेश्चन समझाए, अगर वन मार्क क्वेश्चन आया तो आपको देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि वो पैरेलल होगा, कैसा कैसी लाइंस बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनती है, ओरिजिन से पास करेगी, वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी। और आज मैंने सिखाया आपको कि अगर आपको सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको पूरी दो तीन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद आप जो पॉइंट्स आ रही है, जैसे x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है, आप उसका ग्राफ लाइन ड्रा कर दीजिए, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 आ रही है, उसकी लाइन ड्रा कर दो, और यहाँ पर जो भी रीजन आएगा वो आपका शेडेड रीजन होगा, और शेडेड रीजन वाले ऐसे सारे सम्स आप जितने भी आते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। और यहां से अगर आपको पॉइंट भी, इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है, एक 4 आ रहा है, और एक यहाँ पर 3 आ रहा है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पूछे है तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, अगर इसका एरिया पूछा होगा तो आप एरिया निकाल देना, कुछ भी पूछा हो आप निकाल सकते हो मतलब यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लिखूं मैं यहाँ पर, फिर उसके बाद सोल्व करूं, मतलब इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधा इजी वे में ऐसा जैसे मैंने आपको सिखाया, उनको नीचे लेकर जाकर अगर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करकर हम इजिली उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस वे में काफी इजी वे में कर लेते हैं। तो आई थिंक सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमने सारे मेथड्स कर लिए, ग्राफ हमने कर लिया, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टेटमेंटल क्वेश्चंस रहते हैं, और स्टेटमेंटल क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट द इंग्लिश, वो इंग्लिश ही होती है टोटली, कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए कि स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, कि बेटी की एज बाप से इतनी बड़ी है, 4 साल पहले इतनी थी, 4 साल बाद इतनी है, तो हम कुछ क्वेश्चंस उसके डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे 10th क्लास में, कि हाँ बच्चों को ऐसे आने चाहिए, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखता हूँ कि आगे जाकर अगर आपको एग्जाम देने हैं तो वहां पर वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन आने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में जो आपको 10th में भी आएंगे कहीं भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की तो तैयारी मतलब आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और कल से हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंटल क्वेश्चंस, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में। तो स्टेट मैंने आपको इसीलिए मेथड पहले सिखा दी क्योंकि स्टेटमेंट का इक्वेशन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो या इसको एलिमिनेशन से सोल्व करो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते हैं और बोलते हैं सोल्व द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सोल्व कीजिए, स्टेटमेंट बताइए हमें क्या बोल रही है और उसका आंसर दीजिए। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ज्यादा हमें देखना नहीं होता कि हमें एलिमिनेशन लाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाना है या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसे सोल्व करना होता है। तो आई थिंक सो दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, सो दैट अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर लो। आपको अगर मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भी अपना पर्सनल नंबर दे दो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक रहता है हमेशा, तो आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं काफी अच्छी डेली के एक दो क्वेश्चन अपडेट करता हूँ स्टोरी में, तो आपकी वहां पर भी एक अच्छा टेस्टिंग हो जाएगी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जैसी वीडियो अपलोड होती है वैसे मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।